हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डिम्पल है और ये वीडियो आज उनके लिए है जो बैंक एग्ज़ाम्स देने की सोच रहे हैं या जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन नहीं शुरू की है या अभी उनको स्टार्ट किए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें सोचनी चाहिए इससे पहले कि हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करें या बैंकिंग में अपना करियर देखें। मेरी बैंकिंग प्रिपरेशन ऑलमोस्ट एक साल से कम की रही है। फ्रॉम द टाइम मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया था अंटिल 1 अप्रैल जब मेरा रिजल्ट आया था। हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितना टाइम इस एग्ज़ाम को डिवोट करना चाहते हैं और हमें ये पता होना चाहिए हम कौन से एग्ज़ाम को एम कर रहे हैं। बैंकिंग फील्ड में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको पता ही होगा, IBPS PO क्लर्क, SBI PO एंड क्लर्क, RBI के अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। सो बहुत टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं जो आपको इस फील्ड में देखने को मिलता है। तो आपको पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि आप कौन से एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं और उस हिसाब से अपना प्लान बनाना चाहिए। और ये भी आपको दिमाग में रखना है कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस फील्ड में, क्योंकि एक अटेम्प्ट में आपका पेपर क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत कम होता है। तो आपको पहले से ही देख लेना है कि आपको कितने साल इस चीज़ को डिवोट करने हैं, क्योंकि आपके 7-8 महीने सिर्फ प्रिपरेशन से लेके या फिर आपके प्री से लेके आपके रिज़ल्ट के डेट आने तक ही लग जाते हैं। तो अगर आप में इतना पेशेंस है कि आप एक एग्ज़ाम के लिए इतना टाइम और एग्ज़ाम्स देना चाहें, तो वो टाइम आपको पहले से ही डिसाइड कर देना है और उस हिसाब से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। आपकी जर्नी में ऐसी भी प्रॉब्लम्स आएंगी कि कभी आपने किसी एग्ज़ाम का प्री क्लियर कर दिया और मेंस रह गया, या फिर आपका प्री और मेंस हो गया लेकिन इंटरव्यू में आप रह गए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं लेकिन वो इंटरव्यू में भी रह जाते हैं। तो इस हिसाब से आपको अपना माइंडसेट बनाना है कि इतना टाइम लग सकता है और ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाएं। बहुत लोग हैं जिनके प्री हर बार निकल जाते हैं लेकिन वो मेंस में रह जाते हैं। तो उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपको कैसे सारे एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू क्रैक करना है। उसको समझने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको पहले से ही डिसाइड करना है कि आप में वो पेशेंस है या नहीं एंड तक बने रहने के लिए, और इस एग्ज़ाम को निकालना ही निकालना है उसके लिए पेशेंस और जो टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो आपको प्रिपरेशन से पहले ही डिसाइड कर देना है कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप बहुत जल्दी होमसिक हो जाते हैं या आपको ज़्यादा सिटीज़ में ट्रांसफ़र्स नहीं लेने हैं, तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए ये एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि आपके जो पहले 2 साल हैं सेलेक्ट होने के बाद वो सिर्फ आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। उसमें आपके बहुत जगह ट्रांसफ़र्स होंगे, अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, बार बार आपको ट्रेनिंग सेंटर बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। तो उसमें आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि आपको ज़रूरी नहीं है अपने होम स्टेट की पोस्टिंग मिलेगी। तो अगर आप जल्दी होम सिक हो जाते हैं या आपको ट्रांसफ़र्स नहीं पसंद हैं, तो आपको एक और बार सोचना पड़ेगा ये एग्ज़ाम देने से पहले। जिन लोगों ने ये सोचा है कि वो जो भी हो जाए क्लियर करके ही रहेंगे भले ही जितना टाइम लग जाए, उनके लिए ये एक मेरी एडवाइस रहेगी कि आप अपना दिन में टाइम तो देते ही हैं पढ़ाई को, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कोई स्किल सीखें जो आपके फील्ड से रिलेटेड हो या आजकल की जो ट्रेंडिंग फील्ड्स हैं जिसमें अगर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो अगर आप एडिशनल स्किल्स अपनी CV पे ऐड करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एक टाइम आता है जब हम कहते हैं कि हमसे और नहीं होगा और पढ़ाई नहीं हो पा रही है या हमें जल्दी कमाना है, हमें वो स्किल आनी ही चाहिए जिसकी वजह से हमें बाद में तकलीफ़ ना हो कि हमने इतने अपने साल वेस्ट कर दिए या हमने इस साल में हमारे CV में गैप आ गया। तो उसके लिए हमें एक स्किल हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहना है, 1 घंटा 2 घंटा जितना हो सके एक स्किल को भी डिवोट करिए अपने पढ़ाई के अलावा, ताकि आगे चल के करियर गैप्स की प्रॉब्लम ना है। या फिर अगर आप कभी बहुत सालों बाद इंटरव्यू में होते हैं और वो पूछते हैं कि आपकी CV में गैप क्यों है, उस रीज़न से बचने के लिए आप कह सकते हैं कि इतने टाइम में आप ये स्किल परस्यू कर रहे थे। आपके करियर जर्नी में आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट भी करेंगे। तो अगर आप इजीली डीमोटिवेट हो जाते हैं तो शायद ये फील्ड आपके लिए ना हो, क्योंकि आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि आप जिस लाइन में हैं वो एक अच्छा करियर ऑप्शन है। लेकिन आपको बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे आपसे कि अगर आपका लास्ट ऑप्शन हो तभी आप बैंक में जाइएगा, या बैंक की लाइफस्टाइल वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मेंटेन हो पाती, या
शाम में छुट्टी का टाइम 6-7-8 बज सकता है, कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता है वर्किंग का, और दो सैटरडेज़ आपको एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं अपार्ट फ्रॉम जो दूसरी जॉब्स होती हैं नॉर्मली। तो अगर आप इजीली डीमोटिवेट हो जाते हैं तो आप एक बार सोचिएगा, क्योंकि इस फील्ड के लिए, इस जॉब के लिए बहुत कम लोग हैं जो पॉजिटिव बातें बोलते हैं। मोस्टली आपको इसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स ज़रूर सुनने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र्स, बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ द जॉब, जो काम है उस जॉब में बहुत हेक्टिक, वर्कलोड ज़्यादा है, तो ऐसा आपको बहुत लोग बोलेंगे। लेकिन अगर आप डिटर्मिंड हैं अपनी फील्ड को लेके, तो उन सब की बातें आपको बिल्कुल नहीं सुननी है। और स्पेशली प्रेपरेशन में आपको अगर ये लोग बहुत बोलेंगे तो आप डीमोटिवेट हो सकते हैं। तो ये आप पहले से ही जान लीजिए कि फील्ड के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये चीज़ें मैंने अपनी प्रेपरेशन के दौरान देखी थी जो मैंने आपको बताई। उसके अलावा बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप अगर मॉक टेस्ट देते हैं, आपके मार्क्स नहीं इम्प्रूव होते हैं। जैसे मुझसे लोग, बहुत लोग डीएम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके मार्क्स नहीं इम्प्रूव हो रहे हैं, कॉन्ट्स हो गया, इंग्लिश हो गया, तो उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपके जैसे मार्क्स आ रहे हैं, आप बस अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए और अपनी गलतियों से सीखिए। क्योंकि मैंने जितने मार्क्स लगाए हैं, मैं मोस्टली 50-60% में मार्क्स कम ही लाती थी, मार्क्स के हिसाब से फेल हो जाती थी, और कुछ में मेरा एवरेज परफॉर्मेंस रहता था। बस एक दो बार ऐसा हुआ होगा कि मैंने प्री में 60 या 70 स्कोर किया होगा मॉक टेस्ट में। तो मॉक टेस्ट के मार्क्स से बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, उससे बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। बस अपने पेपर्स को एनालाइज करिए और देखिए आपकी गलती कहाँ है, और उससे आप सीखिए और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। एंड ऑल द बेस्ट।